हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुके 5। मैच समझनी है तो वीडियो को पूरा देखना होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आज के मैच की ओर। आज का मैच है इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ मोहन्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40। हैड गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। द प्रोडक्ट ऑफ दिस मार्क्स इज 360। फाइंड द मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ये 2008 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। तो इस मैथमेटिक्स में समझने वाली बात है कि मैथ और इंग्लिश के मार्क्स को जोड़ने के बाद 40 होता है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स में ये 3 मार्क्स ज्यादा है और इंग्लिश में 4 मार्क लेस है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 360 है। तो फाइंड द मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आप आ जाइए और चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बराबर एक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश बराबर वाई एंड एक्स प्लस वाई बराबर 40। ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ अब कह रहा है कि गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स नाउ मार्क्स इन मैथमेटिक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 3, और मार्क्स इन इंग्लिश बराबर हो जाएगा वाई माइनस 4। हो गया। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ मार्क्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4। इसलिए एज पर गिवन एक्स प्लस 3 इंटू y माइनस 4 बराबर 360। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। हो गया। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई बराबर 40 और y बराबर 40 माइनस एक्स। हो गया। ये आपका 1, 2, 3 हो गया। Putting the value
ऑफ वाई इन इक्वेशन टू, एक्स प्लस थ्री इंटू 40 माइनस एक्स माइनस ओवर इंपैरेबल सिंड्रीन पोस्ट सिंजीरो, इतना हो गया। ये वाई का मान थ्री इक्वेशन में जो है 40 माइनस एक्स, तो ओ मैंने यहाँ पर रख दिया, वाई माइनस फोर था तो वाई का मान यहाँ रख दिया। अब ये सॉल्व करते हैं और एक्स का मान ज्ञात करते हैं। दिस टेंड्स टू एक्स प्लस थ्री इंटू 40 माइनस एक्स माइनस फोर बराबर 360। दिस टेंड्स टू एक्स प्लस थ्री इंटू 40 में फोर गया तो 36 माइनस एक्स बराबर 360। दिस टेंड्स टू, अब गुणा कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा एक्स इंटू 36 माइनस एक्स और प्लस थ्री इंटू 36 माइनस एक्स बराबर 360। दिस टेंड्स टू 36 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो ये टूटे हुए तो साइन जे का तय हो जाएगा, तो 108 माइनस थ्री एक्स बराबर 360। दिस टेंड्स टू, 36 से माइनस सिक्स गया तो 33x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 108 और इन 360 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 360 बराबर, और तो ये इधर चल गया तो इधर क्या बचेगा, इधर जीरो बचेगा। दिस टेंड्स टू, अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस हो जाएगा ये तो 52 बराबर जीरो, ये हो गया। अब माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 352 बराबर जीरो। अब देखिए ये एक कंप्लीट आपका ये एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हमें सॉल्व करना है फैक्टर प्रोसेस से। तो फैक्टर प्रोसेस से आप जानते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, पहले भी वीडियो बनाए हैं लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है 1 गुणा ये कॉन्स्टेंट 2π2 बराबर 2π2। अब इस 2π2 का हम फैक्टर निकालेंगे तो चलिए 2 से हम ये करते हैं तो 12 दूनी 24 दूनी 12, तो फिर इधर से हम करते हैं 2 6 12 2 3 6
तीन से करते हैं तो 3 2 6 3 1 12, फिर 3 से भाग देंगे तो ये 7 बचेगा। अब ये फैक्टर हो गया 2 2 3 3 7। अब इस फैक्टर को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि -33 आए, यानी इस सेंटर में जो है 33x इसके बराबर आना चाहिए हमें इस फैक्टर से। तो चलिए देखते हैं कि 2 2 4 3 12 17 21 हो गया, 12 और 21। अब ये 33 पर हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड 3 7 जा 21। 20 2 x² - -21 x - 21 x + 2 5 2 = 0। यह हो गया आपका फैक्टर। अब देखिए इसमें दो पार्ट है, एक ये है और एक दो दो का एक साथ लिए तो दो पार्ट हो गया। अब इन दोनों पार्टों को हमें सॉल्व करना है। Now, this tells to, अब एक्स कॉमन ले लिए तो ये बच गया x² - 12 हो गया, और यहाँ हम एक्स कॉमन ले लिए तो ये बच गया x - 12। अब इन दोनों में -21 हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 12 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन से बाहर आ गया, और ये बराबर हो जाएगा 0। नाउ टेस्ट टू, अब देखिए इसमें हम x - 12 दोनों में कॉमन है तो ले लेते हैं, तो x - 12 ये फैक्टर कॉमन ले लिए तो ये बच गया x - 21 = 0। दिस टेल्स टू, अब ये हो गया x - 12 = 0, और दूसरा हो गया आपका x - 21 = 0। दिस टेल्स टू, x - 12 = 0, और ये हो गया आपका x - 21 = 0। दिस टेल्स टू, और ये हो गया x = 12, और ये हो गया x = 21। अब x का मान 2 आ गया, इसका मतलब कि 2 से हमें निकालना होगा। बराबर हो गया 20 और 21। इंग्लिश बराबर हो गया x + 20 = 40।
when x बराबर 10 then y बराबर 14 minus x की पावर 12 बराबर 28 x बराबर 21 10 y बराबर 14 minus 21 बराबर मान गया 19 and 28. All right. Oh, I didn't get base. I love it. The team room with Adam's team. आपका आंसर दोनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनके मैथ आपका सॉल्व हो गया और इसका आंसर आपका दो आया 12 and 28 और 21 and 19। तो मैथ सॉल्व करना कोई भास्ट काम नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आज के वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करने में भूलेंगे तथा चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।